आप निराश मत होइए। तुम निराश इसलिए हो कि भय ने और संदेह ने तुम्हारे अंतकरण पर अधिकार कर लिया है। तुम्हें अपनी योग्यता के प्रति अविश्वास हो गया है। तुम्हें असफलता और दुर्भाग्य की मानसिक प्रवृत्तियों ने परास्त कर दिया है और हीनता की भावना ने तुम्हारे मानसिक जगत में तूफान लाकर तुम्हें अस्त व्यस्त कर डाला है। विचारों की यह परावस्था ही तुम्हें डुबो रही है। याद रखो, जब तक तुम किसी कार्य में हाथ नहीं डालोगे तब तक अपनी शक्ति का अनुमान कदापि न कर पाओगे। मनुष्य जब तक अपने आप को यह न समझ ले कि वह कार्य करने की क्षमता रखता है तब तक वह पंगु ही बना रहेगा। तुम्हें जो कुछ करना श्रेष्ठ जचता है, जो कुछ तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, उसे दृढ़ संकल्प पूर्वक अवश्य मेव प्रारंभ करो। डरो नहीं, शंका संदेह या अविश्वास की कोई बात न सोचो, बल्कि कार्य शुरू कर ही डालो। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ जरूर कर सकता है और करेगा यदि हिम्मत न हारे। हिम्मत हमेशा बाजी मारती है। जीवन को एक दीप समझिए, उसकी शिखा में सजीवता तभी आएगी, किरणें तभी जगमगाएगी जब आशा और उम्मीद उसे आपने तेल से परिपूर्ण रखे। उम्मीद के तेल खत्म होते ही या तो दुख दर्द के समुद्र में विलीन हो जाना होगा या फिर मृत्यु की शीतल सी गोद में हमेशा के लिए समा जाना होगा। अखंड ज्योति, नवंबर 1950, पृष्ठ 15 से 16। Thank you.